सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हमारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ अगर बैठे हैं, हमारा मकसद यह है कि जैसे हाईकोर्ट की एक जजमेंट आई है विद रिगार्ड टू द गुजारा इलेक्शन, जेके यूटी गुजारा इलेक्शन, उसके बारे में पहले तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ, 7/7/2020 से ये इनका टर्म जो इलेक्टेड बॉडी अभी बैठी हुई थी, इनका टर्म तो आज से 1.5 साल पहले खत्म हो चुका, सरकार ने इसके ऊपर इलेक्शन क्यों नहीं कराई? सरकार जानबूझ के चाहती है कि इनमें डिवीजन बनी रहे, इनमें कन्फ्यूजन बनी रहे कम्युनिटी में, टाइमली आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराई? आज कोर्ट से आपको कहीं फटकार लगी तो आप इमीडिएटली आप आगे नहीं कि हम नॉमिनेशन करेंगे, बेशक हमारे एक्ट में प्रोविजन है, इसके रूल्स में प्रोविजन है कि आप नॉमिनेशन कर सकते हो, लेकिन नॉमिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्शन टाइम पे क्यों ना हो? आज भी हम डिमांड करते हैं कि टाइमली इलेक्शन कराई जाए, कोई अडाक कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर सरकार समिति है, अगर सरकार ये अपील देती है पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक यूपी में इलेक्शन हो रही है, उत्तराखंड में इलेक्शन होने जा रही है, इससे पहले पिछले 1.5 साल में बहुत सी स्टेटों में, असम में हुई, केरला में हुई, तमिलनाडु में हुई, वेस्ट बंगाल में, तो रियासत जम्मू कश्मीर में गुरुद्वारा इलेक्शन क्यों नहीं हो सकती? और गुरुद्वारा इलेक्शन कोई इतनी थी 20,000-50,000 की रैलीज नहीं होती, डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाती है, इसमें कोरोना पैंडेमिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो सरकार से दरख्वास्त करते हैं हम सब यहां बैठे हुए, भाई जल्दी से जल्दी गुरुद्वारा इलेक्शन करवाई जाए, अडाकिज्म को प्रमोट ना किया जाए, और अगर करना भी पड़े तो जो आप कमेटी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, मैं माननीय फारूक खान साहब जी से स्पेशली आग्रह करना चाहूंगा, और शलील काबरा जी जो हमारे डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने नॉमिनेशन भी करनी है तो कोर्ट ने कहा है दे शुड बी पीपल ऑफ हाई इंटेग्रिटी, हाई इंटेग्रिटी के लोग होने चाहिए, किसी एक ग्रुप का नहीं होना चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल के कहने पे नॉमिनेशन नहीं होनी चाहिए, अलग अलग सेक्शन आप सोसाइटीज को उसमें इन्वॉल्व कीजिए, अब तो जरूरत नहीं है अगर मजबूरी है करने की, लेकिन फिर भी साथ साथ टाइम और इलेक्शन का डेट फिक्स कीजिए, ये कमेटियां बनाने जा रहे हैं लेकिन हम इलेक्शन की डेट भी साथ साथ फिक्स करते हैं, 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन कराई जाए, ऐसा ना हो और हमें खर्चा है कि सरकार ऐसा ही करेगी, 1 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे नॉमिनेशन, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जाएगा 1.5 साल 2 साल तक, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो कम्युनिटी में बड़ी रिजेंटमेंट होगी, कम्युनिटी कहीं ना कहीं इसका प्रोटेस्ट करने के लिए फिर सड़कों में भी आएगी, तो जो हमारे अफसर बैठे हैं उनका रोल गलत नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होनी चाहिए, नहीं तो जो नॉमिनेशन है वो भी हाई इंटेग्रिटी के लोग होने चाहिए और ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए।